नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद अक्सर सुनने में मिल जाते हैं। जमीन से जुड़े विवाद कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जमीन के नाम पर अपराध खुलेआम होते हैं। इतना ही नहीं, अपना ही अपनों की जान लेने पर आतुर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस के पास अपराधों की बड़ी लंबी फेहरिस्त में ऐसे और भी मामले जुड़ जाते हैं। हालांकि इन सबके बीच बिहार में अब जमीन विवाद को कम करने के लिए सरकार ने अहम पहल की है, जिसके तहत नीतीश सरकार ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों का अब एक अलग यूनिक कोड लागू करने की सिस्टम बनाई जाएगी। इस कोड के काफी फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि यह कोड विवाद की गंभीरता को इंगित करेगा, जिससे विवाद को जो कोड दिए जाएंगे मामला अपराध बढ़ाने को लेकर कितना संवेदनशील है ये पता चलेगा। साथ ही इसका प्रभाव क्षेत्र क्या है, वो उनके स्थल संवेदनशीलता, पूर्व का इतिहास आदि ब्यौरा पर आधारित होगा। कोई अधिकारी कोड देखकर पता कर लेगा कि यह विवाद अपराध बढ़ाने को लेकर कितना गंभीर है। इन सबके बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी अहम पहल की है, जिसके तहत ही विभाग ने सभी तरह के विवादों को 11 अलग अलग श्रेणियों में बांटने का फैसला लिया है, जिसके तहत निजी रास्ता का विवाद, सरकारी भूमि का अतिक्रमण विवाद, सरकारी भूमि पर कब्जा का विवाद, बंदोबस्त भूमि से बेदखली का मामला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में विचाराधीन मामले वाली भूमि को लेकर विवाद और कोर्ट के आदेश अनुपालन के समय उत्पन्न विवाद, राजस्व कोर्ट में विचाराधीन मामलों वाली भूमि को लेकर विवाद और कोर्ट के आदेश अनुपालन के समय विवाद, सिविल कोर्ट में लंबित मामलों में भूमि को लेकर विवाद और कोर्ट के आदेश अनुपालन के समय उत्पन्न विवाद, भूमि की मापी सीमांकन के समय उत्पन्न भू विवाद और लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में उत्पन्न विवाद, पारिवारिक भूमि बंटवारा से विवाद, अन्य तरह के जमीन विवाद में बांटा गया है। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी स्तर के कोर्ट के फैसले को तुरंत ही लागू किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग जल्द ही एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला है। नई व्यवस्था होने पर स्थानीय अधिकारी उच्च अधिकारियों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। भूमि विवाद से जुड़े हर मामले की यूनिक कोड रखने का फैसला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने संयुक्त बैठक कर लिया है। भूमि विवाद को लेकर थानों से लेकर मुख्यालय स्तर पर बैठक कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में जमीन से जुड़े विवादों के निपटारे और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से सरकार यह सिस्टम विकसित कर रही है, ताकि बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में कमी आ सके और साथ ही अपराध के ग्राफ को भी नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि जमीन से जुड़े विवाद ऐसी समस्या है जिसमें अड़ोस पड़ोस से तो विवाद होना आम बात है, परिवार के बीच भी मनमुटाव का कारण बनती है। इतना ही नहीं, ये ऐसा मामला है जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है और जमीन का अधिकार लेने के लिए कुछ लोग अपराध के रास्ते पर भी निकल पड़ते हैं। हालांकि अब इस मामले में बिहार सरकार ने अहम बदलाव का निर्णय लिया है, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले भविष्य में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार सरकार के इस नई व्यवस्था से जमीन से जुड़े विवाद में कमी आएगी या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।